गर्म ख्यालिया दे रिफरेंडम 2020 दे पक्ष विच हां दा नारा मारन वाले सुखपाल सिंह खैरा चो तरफा किरदे नजर आ रहे ने। हुण पार्टी हाईकमान दे सख्त रुख ने भी सुखपाल सिंह खैरा दीआं मुश्किलां विच चोखा वादा कर दिता है। पर इस दे विच खैरे दे लई चंगी खबर यही आई है कि NRI खैरे दे हक विच डट गए हन ते डाक्टर बलवीर नूं हटाउण दी मंग कीती है। सुखपाल सिंह खैरा नूं इन्ना दुख विरोधियों वल्लों पाए घेरे दा नहीं होया होना जिन्ना उन्हां नूं दुख अपने वल्लों पाए घेरे होया होना है। कई दिनों तो विरोधियों के नाल अपने वालों भंडे जा रहे सुखपाल सिंह खैरा के हक में आम आदमी पार्टी के NRI बोले हैं। प्रवासी भारतीयों ने दिल्ली के उप मुख्यमंत्री पार्टी के पंजाब मामलों बारे इंचार्ज मनीष सिसोदिया पत्र लिख के पार्टी के पंजाब सह प्रधान बलबीर सिंह खबरों में खैरा का प्रतिक्रम सुने बगैर उन्होंने बारे मीडिया में पड़ास कढ़न करके शाहकोट जिमनी चोन पार्टी 1100 वोटों नाल शर्मनाक हार दिवाउण करके तुरंत हटाउण दी मांग कीती है। पार्टी दी अमरीका कनेडा समुचे यूरोप आस्ट्रेलिया ते न्यूजीलैंड तो प्रवासी भारतीय टीमां ने सिसोदिया नूं पत्र लेके खैरा दा समर्थन करन दी अपील कीती है। NRI दा कहना है कि खैरा ने सिखां नाल होए धक्के बारे जायज मुद्दा चुकिया है ते खैरा ने भारती होण अते भारती संविधान प्रति प्रतिबद्धता दर्शाउंदिया सिखां दी मंग नूं जायज ठहराउण दी हिम्मत विखाई है। उधर दिल्ली पार्टी हाईकमान नूं मिलन पहुंचे खैरा तो हाईकमान रेफरेंडम दे मुद्दे नूं लैके काफी हद तक खफा है। इन्ना ही नहीं मनीष सिसोदिया नूं मिलन पुजे खैरा नूं मनीष सिसोदिया ने साफ कर दिता है कि पार्टी रेफरेंडम 2020 नूं समर्थन देना तक इस सोच दा भी खंडन कर दी है। हालांकि इस मुलाकात तो बाद खैरा ने मीडिया अगे कहा कि पार्टी वालों उन्हां नूं कोई नोटिस नहीं भेजा गया। हाईकमान अगे खैरा ने रेफरेंडम 2020 दे मुद्दे ते सफाई देने की गल जरूर कबूली। खैरा ने मीडिया उत्ते सवाल चुकदिया उन्हां दे बयान नूं तोड़ मरोड़ के पेश करन नूं इक साजिश दसिया। खैरा ने हरसिमरत कौर बादल नूं घेरदिआं कहा कि हरसिमरत कौर बादल मेरे उत्ते उंगल चुकन तो पहला प्रकाश सिंह बादल बारे जान लैण। हरसिमरत कौर बादल बयान देने से पहले मेरे से जरा सुन ले कि उनके ससुर ने क्या कुछ किया है। प्रकाश सिंह बादल ने इसी दिल्ली में 1982 में इसी देश के संविधान को साड़ा है, आग लगाई है। क्या वो सेडिशन नहीं है? उसके बाद जब भोतरस घाली आते हैं 1992 में इंडिया सेक्रेटरी जनरल UNO के जो वफद मिलता है उसमें सिमरजीत सिंह मान के समेत बादल साहब उस वफद में मेमोरेंडम देते हैं, उसके ऊपर सिग्नेचर करते हैं और उसकी डिमांड क्या थी कि ऑटोनोमस 6 स्टेट। क्या वो सेडिशन नहीं है? सब नूं पता है कि सुखपाल सिंह खैरा ते डाक्टर बलबीर दी आपस विच दाल नहीं गलदी विचार पक्खों भी समय समय ते मतभेद सामने आउंदे रहे हन। पर हुण जदों NRI खैरा दे हक विच डटे ने तां देखना होवेगा कि हाईकमान इस उत्ते की फैसला करदी है। जिस तरह NRI खैरे दे हक विच डटे ने इस तों इह भी पता लगदा है कि जो आम आदमी पार्टी दा पंजाब दे विच आधार है इस दे विच सुखपाल सिंह खैरा दे भगवंत मान दा वड्डा रोल है। इत्थे देखण वाली गल इह भी है कि जिस तरह खैरे दे हक विच बैंस भरा ने गल की है अगर आने वाले समय के खैरे खिलाफ पार्टी सख्त एक्शन कर दी है तो हो सकता है कि एक नवा फ्रंट देखने को मिले जो आजाद होगा। जिस बारे सिमरजीत सिंह बैंस ने भी कहा कि हुण पंजाब दे विच एक तीजे फ्रंट की लोड़ है। उन्होंने कहा कि कुछ होर भी पंजाब दीआं पार्टियां उन्होंने संपर्क दे विच हन। यह तो खैर आने वाला समा ही दसेगा कि पंजाब दे विच तीजा फ्रंट खड़ा हुंदा है या नहीं। पर हुण देखना होगा कि पार्टी सुखपाल सिंह खैरा ते डाक्टर बलबीर बारे की फैसला करती है।